नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही लगातार ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर वो कब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में शामिल होंगे। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा अरविंद राजभर ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा कि उनके पिता कब मंत्री बनेंगे, इसकी तारीख जल्द ही सामने आ जाएगी, ये पहले से तय। अरविंद राजभर ने आगे कहा कि विरोधी पक्ष के जो लोग हैं, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनेंगे। जब हमें पता है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेंगे, तो तारीख का खुलासा क्यों करें? ये हमको पता है कि बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे वो नहीं बताएंगे। हमारी मीटिंग हो चुकी है, सारी चीजें तय हो चुकी है, उसका एक उचित समय है, उस समय पर हो जाएगा। वहीं सुभाषपा नेता ने मंत्रालय के सवाल पर कहा कि कौन सा विभाग मिलेगा वो भी तय, गांव के लोगों की समस्याएं कैसे कम होगी, रास्ते कब बनेंगे, नाली कैसे बनेगी, इसी से मिलता जुलता मंत्रालय होगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या पंचायती राज मिलेगा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आप कह रहे हैं तो इसे भी जोड़ लीजिए, अब चर्चा में आप लोग ला दिए हैं जो एक और मंत्रालय जोड़ लीजिए। साथ ही राजभर ने कहा कि हमारे विरोधियों के दिमाग में ये फैल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर के विरोधी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा 3 जुलाई को सीएम योगी का कॉल मेरे पास आया था, मैं गया था, मेरी मीटिंग हुई थी, उनके निर्देश पर ही हम लोग दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब ठीक ठाक, हम लोग जो भी समाज के लिए एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उस पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब पहल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई थी कि उन्हें योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में शामिल कब किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाकर राजभर को खूब घेरा था, लेकिन अब अरविंद राजभर के इस बयान ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।